चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट में। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं 10 बड़ी खबरों के साथ, और उस पर हमारी नज़र है एग्री कमोडिटीज़ में। अगर धनिया से शुरुआत करें, ज़्यादातर हम स्पेसेस में देख रहे हैं कि आज दबाव है, मुनाफा वसूली आज यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। जीरे की अगर बात करें तो तेज़ी टिकी नहीं, एक काफ़ी अच्छी हमने तेज़ी देखी थी, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं जिसके चलते तेज़ी टिक नहीं रही है और 27,600 के करीब ज़ीरा कारोबार कर रहा है। हल्दी की बात करें तो यहाँ पर 13,600 के करीब मुनाफा वसूली का दबाव हल्दी में भी देखने को मिल रहा है। धनिया 7,750 के पास है। स्टॉकिस्ट किसानों के पास इस वक्त माल ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर भी हल्की वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। ग्वारगम अगर देखेंगे तो 10,700 के नीचे फिसल चुका है, और ग्वारगम में हर तेज़ी में एक मुनाफा वसूली हावी होते हुए दिखाई दे रही है। ग्वार सीड 5,500 के नीचे है। आवक कम होने के बाद भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दबाव बना हुआ है ग्वार सीड में। कपास 1,525 के नीचे कारोबार कर रहा है। डिमांड वीक है कपास को लेकर, जिसके चलते हम यहाँ पर भी वीकनेस देख रहे हैं। कॉटन केप पर नज़र डालें तो यहाँ पर भी बिकवाली बढ़ रही है और 2,650 के पास इस वक्त कॉटन केक ट्रेड कर रहा है। कैस्टर इधर भी वीकनेस है, 5,650 के नीचे। वायदा में भी दबाव और हाजिर मांग, लेकिन थोड़ी हाजिर मांग बेहतर नज़र आ रही है और जिसके चलते हम ये दबाव यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं। सनफ्लावर ऑयल 850 के करीब। लाल सागर में शिपिंग की चिंता बढ़ती जा रही है, जो कंसर्न है उसका असर हम कच्चे तेल पर भी देख रहे हैं। ऑयल मार्केट पर भी दबाव है और सनफ्लावर ऑयल भी यहाँ पर इस वक्त 850 के पास कारोबार कर रहा है। मेंधा ऑयल 925 रुपये के करीब। मार्केट में कम सप्लाई होने के कारण यहाँ पर हल्की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यह है इस वक्त की 10 बड़ी खबरें एग्री मार्केट से जुड़ी। अब एक्सपर्ट को हम शामिल करेंगे और उनसे एक एक करके राय रहेंगे, सबसे पहले एग्री कमोडिटीज़ पर, फिर उसके बाद नॉन एग्री कमोडिटी का भी एक एक करके अपडेट आपके सामने रखेंगे। और हमारे साथ statement.com से दीपेन शाह जुड़ चुके हैं। दीपेन जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीरे के साथ, और खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिला है, जिसके बम्पर उत्पादन अनुमान से दबाव है। जीरे का रकबा 4 साल में सबसे ज़्यादा है। गुजरात की बात करेंगे तो पिछले साल में 160% ज़्यादा एरिया में बुआई हुई है। तो इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं, फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं आपको जीरा के, मौजूदा स्तर पर ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे आप? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले तो छोपे बुलाने के लिए धन्यवाद। अगर जीरा की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली थोड़ा वीक ही लग रहा है। नीचे में सपोर्ट 20,000 से 21,000 के आसपास कहीं आ सकता है। एंड फॉर्चुनेटली अभी जीरा में मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च हो चुके हैं, तो इसका बेनिफिट ये हो सकता है कि अगर आप 25,000 के आसपास चीज़ें प्राइस स्टेबल हो रहे हैं तो वहाँ पर स्टैगर्ड मैनर में शुरुआत कर सकते हैं खरीदारी, और नीचे में आप 20,000 के आसपास आप एवरेज भी कर सकते हैं। तो हमारा मानना ऐसा होगा कि थोड़ी और गिरावट आ सकती है, लेकिन एक्सेक्ट बॉटम कभी भी कोई टाइम नहीं कर पाएगा। तो आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत यहाँ से 10% गिरावट के बाद कर लें। ठीक है, तो ये है सलाह जीरे पर। अब आते हैं धनिया पर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज दायरे में कारोबार हो रहा है। अप्रैल वायदा 7,700 रुपये के पास। कल धनिया वायदा में भी हमने देखा था कि हल्की कमजोरी थी, करीब 1% के आसपास की कमजोरी वहाँ पर देखने को मिली थी। बुआई का जो आंकड़ा आया है पिछले साल से करीब 44% कम बुआई का आंकड़ा नज़र आ रहा है। बकाया स्टॉक ज़्यादा है, लेकिन मांग भी उसके सामने बेहतर दिखाई दे रही है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि धनिया में एक दायरे में कारोबार हो रहा है। दीपेन जी, आपका क्या व्यू बन रहा है धनिया पर? देखिए, फिजिकल मार्केट में काफ़ी अच्छी मांग है और ट्रेडर्स भी काफ़ी बुलिश है, लेकिन इश्यू यही है कि जो अप्रैल मंथ मार्च मंथ कॉन्ट्रैक्ट है वो 1000 पॉइंट के प्रीमियम पे है करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट से। इसी के वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, एंड 7,200-7,300 बहुत ही अच्छे लेवल्स होंगे जिस पर आप धनिया में निवेश करके चले तो आगे जाके आपको 3 से 4 महीने जब भी सीजन आएगी मसालों की, तभी अच्छे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हम रखें। ठीक है, तो ये है सलाह धनिया पर। अब बात करते हैं हल्दी की, और यहाँ पर भी दबाव ही है हल्का। NCDX अप्रैल वायदा में 13,700 के करीब कारोबार हो रहा है। फसलें कम रहने का अनुमान है और यील्ड को लेकर भी चिंता इस वक्त बरकरार है, जिसके चलते हल्दी में हम मुनाफा वसूली का दबाव देख रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है आपका हल्दी पर दीपेन जी? देखिए, हल्दी काफ़ी अच्छी कमोडिटी है खरीदारी करने के लिए। हमने देखा है कि 13,000-12,900 से 13,800 के लेवल हमें दो ट्रेडिंग सेशंस में देखने मिल रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा ओवर हीटेड हो गया था, इसीलिए
थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर फिर से 13,400 साढ़े 400 के लेवल जाते हैं तो वहां पे आप जी में खरीदारी करके चले, सेम स्विंग लो, 12,900 के नीचे का स्टॉप होगा। ऑन द हायर साइड फिर से 13,800 को क्रॉस करते ही 14,200 एंड 14,800 के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो यह है सलाह हल्दी पर। अब ग्वार की बात करेंगे तो दीपेन जी, यहाँ पर भी अब हर तेजी में हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। किसी को ट्रेड लेना हो तो कैसे लें? ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों पर राय दीजिए। कि आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बात कही कि हर तेजी में हमें मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। इसका मतलब यह है कि प्राइसेस अभी स्टेबलाइज नहीं हुए हैं और जहाँ पे भी उछाला आ रहा है वहाँ पे सेलिंग हो रही है। तो बेटर है कि आप थोड़ा और इंतजार करें, 5,200 से 5,300 उसके आसपास अगर प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा लंबा नजरिए का आप खरीदारी करके चल सकते हैं। गुवार गम में भी 10,000 रुपये का साइकोलॉजिकल काफी अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट है। तो जब तक ये दोनों कमोडिटीज थोड़ी और गिरावट देके प्राइस स्टेबिलिटी नहीं दिखाते तब तक आप अवॉइड कर सकते हैं। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अगर कोई आएगी तो शो देखते रहे, वहां पे एनालिस्ट आपको बता दें। ओके, तो यह है ग्वार में, ग्वार गम और ग्वार सीड पर राय। दोनों में इस वक्त वीकनेस देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कपास की। दीपेन जी, कपास में कैसे ट्रेड लें? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हल्की नरमी है, कमज़ोर मांग भी है जिसके कारण कीमतें सुस्त हैं। घरेलू के साथ एक्सपोर्ट मांग भी कमज़ोर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल कपास में क्या व्यू बन रहा है आपका और ट्रेड कैसे लें यहाँ पर? देखिए एक ही दिक्कत है कि सबसे पहले तो प्राइस जो एफिशिएंसी है, जो डिस्कवरी है वो काफी लिमिटेड है, बिकॉज वॉल्यूम्स काफी लिमिटेड है। एनसीएक्स की तरफ से ऐसा अनाउंसमेंट्स है या रूमर्स है कि आगे जाके वो कपास के कॉन्ट्रैक्ट, कॉटन के कॉन्ट्रैक्ट को चेंजेस कर सकते हैं जिसमें पार्टिसिपेशन फिर से बढ़े। लेकिन अभी एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी नहीं है, लिक्विडिटी कम है, तो रिटेल निवेशक को तो डेफिनेटली मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा कि कपास के ट्रेडिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेजेक्टरी, प्राइस ट्रेजेक्टरी की बात करेंगे तो वहां पे भी थोड़ी नरमी ही लग रही है। जो भी प्राइजेस में बाउंस आ रही है उसमें सेलिंग हो रही है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि प्राइजेस थोड़े साइडवाइज या नेगेटिव रह सकते हैं। तो बेटर यह है कि लिक्विडिटी भी नहीं है और कोई क्लियर ट्रेंड भी नहीं है तो ये कमोडिटी को आप कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। तो एग्री मार्केट को अगर मैं सम अप कर दूं तो आपकी बाइंग लिस्ट में हल्दी होना चाहिए, उसके बाद धनिया होना चाहिए, जीरा को आप थोड़ी नीचे गिरावट आती है 10% की तभी खरीदारी कर सकते हैं, गुआर सीड भी जीरा के जैसे 10% की गिरावट के बाद खरीदारी कर सकते हैं, और कुक्कुट कॉटन एंड शीट केक और कपास को आप कंप्लीटली ट्रेडिंग के लिए अवॉइड। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त किया आपने। अगर निचले आज जो वीकनेस आ रही है आप तेज़ी करके चल सकते हैं। टॉप पे रखिए हल्दी, उसके बाद धनिया और जीरे में भी आप तेज़ी करके चल सकते हैं। ये पूरे टारगेट आपके सामने। अब बात करते हैं तो बात हुई एग्री कमोडिटीज़ की, अब आते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज़ पर। और यहाँ पर अभी हम देखें तो कच्चे तेल में तेज़ी नज़र आ रही है, 6,081 के पास है, करीब करीब 1.25% ऊपर। नेचुरल गैस में 1.5% की तेज़ी है इस वक्त। सबसे पहले कच्चे तेल पर दीपेन आपसे राय लेंगे, क्या व्यू बन रहा है आपका? यहाँ से क्या और तेज़ी करके चल सकते हैं? क्रूड में अब 1.5% ऊपर है इस वक्त। देखिए इनफैक्ट रिवर्स है, इन इस बाउंस बैक को आप यूज कर सकते हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए अगर आपको एक्सपर्टीज है, बिकॉज हमने देखा है कि कच्चा तेल काफी समय से 6,200 से 5,800 के रेंज में चल रहा है और जब भी ऐसे उछाले आते हैं वहां पे सेलिंग होती है और नीचे में फिर से आपको 5,800 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो अभी क्योंकि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट स्टैगर्ड डिलीवरी में चले जाएगा तो आप फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में खास करके ट्रेडिंग करने की सलाह होगी। तो ये जो भी उछाला आया है इसमें आप शॉर्ट सेल करें, 6,200 के ऊपर का स्टॉप लॉस अगर आप थोड़ा डीप रख सकते हैं तो बेटर है, 6,200 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखें फरवरी मंथ में और नीचे में आप फिर से 5,800, 5,850 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है इस वजह से सेल की कॉल, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों साइड के फैक्टर्स कच्चे तेल के लिए प्ले कर रहे हैं। इस वजह से दायरे में है, ना ज़्यादा बढ़ने दे रहा है ना ज़्यादा टूट रहा है, क्योंकि यूएस में उत्पादन में कमी आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ चीन के आंकड़े कमज़ोर आ रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कच्चा तेल एक दायरे में फंस गया है। तो अभी जो लेवल्स आ रहे हैं उसमें आप फिलहाल बिकवाली का ट्रेड लीजिए। गोल्ड पर आते हैं, गोल्ड में सपाट शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है इस बीच, काफ़ी फ्लैटिश है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से सोने में एक वीकनेस आ रही है, जिस तरह से एक के बाद एक डेटा आ रहे हैं यूएस में। क्या व्यू बन रहा है आपका दीपेन जी, गोल्ड में कैसे ट्रेड लें? देखिए गोल्ड में अगेन जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि काफी सपाट कारोबार है और जब भी ऐसे सपाट कारोबार होता है
तो ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी काफी कम होती है, बिकॉज अगर वोलेटिलिटी नहीं होगा तो आप खरीदारी या बॉलिंग कम कर सकते हैं। तो हमारा मानना है कि ये थोड़ा सपाट कारोबार ही रह सकता है और थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो जो आपकी स्क्रीन पे अभी 61,500 के लेवल से, वो शायद 60,000, 60,200 के आसपास पहुंच सकते हैं। लेकिन क्योंकि सपाट कारोबार है और इसकी वोलेटिलिटी नहीं होगी, तो शॉर्ट सेलिंग भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो अगेन का ट्रेंड होगा। तो अभी थोड़ा इंतजार करें गोल्ड में, थोड़ी और क्लैरिटी आने दे, थोड़ी और वोलेटिलिटी आने दे, उसी के बाद आप गोल्ड की ट्रेडिंग शुरुआत करेंगे तो ज्यादा बेटर है। सलाह सोने चांदी पर। दीपेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी सलाह देने के लिए। कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी हमने आपके सामने एक एक करके रखे। विस्तार से कमोडिटी मार्केट पर चर्चा करेंगे।